मैं आपको एक करियर बतलाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बेटा, सबसे अच्छा तो ये कि आप MBBS करें, फिर आप MD करें या MS करें। MD करने के बाद आप DM करें, कार्डियोलॉजिस्ट बने, आप नेफ्रोलॉजिस्ट बने, आपके आप जो है पल्मोनरी मेडिसिन एक्सपर्ट बने, आपके आप जो है वो रेडियो डायग्नोसिस में जाएं, आप जो आपको करना वो आप करें। ठीक है, MS करने के बाद अपने MCH के आप कार्डियो थोरेसिक सर्जन बने, आप पेडियाट्रिक सर्जन बने, आपके आप जो है वो नेफ्रो सर्जन बने, आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो एक हार्ड कोर डॉक्टर हो गए, मतलब ये बिल्कुल जो बोलते ना ऐसा कि ये डॉक्टर बिल्कुल फिक्स। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मैं हूं। मतलब मैं आई एम ए गुड फिजिशियन, मैं एक ठीक ठाक डॉक्टर हूं, है ना। मतलब मुझे पता नहीं अपनी तारीफ करने में बड़ा हेजिटेशन लगता है, पर बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ए गुड डॉक्टर, कि मैं बहुत सारे मरीजों का इलाज कर पाता हूं, बीमारी समझ पाता हूं, और ईश्वर की दया से जो है आई ट्रीट ही क्योर्स ओनली। तो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मेरे ऑलमोस्ट सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं, ईश्वर की कृपा है। मेरा मतलब मैं अपना योगदान कम मानता हूं उसमें, ठीक है। तो लेकिन मेरे से भी आप पूछेंगे तो मैं बोलता है यार MBBS के बाद में जो है मैं चूंकि मुझे UPSC जाना था, मैं दूसरी चीजें मैंने सोच रखी थी पहले, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो है देयर आर नाउ बहुत सारे फील्ड आ गए। अभी आप क्या कीजिए, MBBS कीजिए, बाहर की फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, किसके लिए, मास्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी के लिए। एपिडेमियोलॉजी में जाकर आप जो है वहां पर जो है वो एपिडेमियोलॉजी में कोर्स कीजिए, फिर आप रिसर्च में चले जाइए, क्या पता एक दिन नोबेल प्राइज मिल जाए, क्या पता एक दिन पूरी दुनिया आपका नाम किताब में पढ़ रही हो। भाई जो लीक से हटके काम करेगा ना वही नोबेल प्राइज लेके आएगा, वही जो है वो किताबों में होगा। जो नॉर्मल लीक नॉर्मल सिस्टम में ढर्रे पे काम कर रहा है तो अपना बढ़िया करेगा, कमाएगा, खाएगा, बढ़िया घर बनाएगा, बड़ी कार रखेगा, सब कुछ बढ़िया करेगा, लेकिन पुस्तकों में नाम चढ़ाने के लिए अलग राह पकड़नी पड़ती है, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी इज ए वेरी वेरी हाईली इंग्रोसिंग कोर्स, के अभी जो है बड़ी डिमांड है इस कोर्स की, और आने वाले समय में भी एपिडेमियोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड होगी। चाइना के जो अपना अमेरिका के अंदर डॉक्टर फॉन्सी जो हैं, वो इटालियन डॉक्टर हैं, वो भी एपिडेमियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, इनके अमेरिका में सबसे बड़ा डॉक्टर उनको माना जाता है, ठीक है। रॉबर्ट फॉन्सी क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वो ट्रंप के पीछे खड़े होकर कई बार हंसते रहते हैं, उठ के वो डॉक्टर है, वो जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति भगवान जाने क्या क्या बोल देते हैं। एक दिन उन्होंने सुना जैसे डिटॉल से वो के तो ट्रंप के दिमाग में ही बात की जो सैनिटाइजर है डिटॉल है इससे जो है वो वायरस मर जाता है, बोलते हैं कि क्यों ना हम इसको इंजेक्ट कर लें। तो डिटॉल कंपनी को वहाँ पे डिटॉल और जितने सैनिटाइजर वाली कंपनी है सबको एड मारना पड़ा कि खा पी मत लेना भाई, ये बॉडी के लिए खतरनाक होता है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए केवल है। राष्ट्रपति तो मजे मजे में बोल दिए ऐसे ही। तो रॉबर्ट फॉन्सी पीछे पीछे कई बार ट्रंप बोलते हैं फिर हंस रहे होते नीचे मुंह करके। अब राष्ट्रपति कुछ बोल तो सकते नहीं उसको, भाई वो अपने मन से बोल रहा आदमी है ना। तो ठीक है, तो